साड़ी असी राजनीति नूं उपर करता, धर्म जिहड़ा सी असी उहनूं डाउन रखिया। जदों असी धर्म दे उपर गलवा पा लांगे उदों कुदरती है सिख कौम दी जिहड़ी आत्मा ना उह तड़फेगी। सारी सिख कौम जिहड़ी है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्ते जिहनूं अपनी जिंद जान समझदे आ उहदे उत्ते बेविश्वासी क्यों होगी, उत्ते किंतू परंतु क्यों हो रहा। श्री अकाल तख्त साहब जी दे आदेश जारी हुंदे आ ते जे संस्था नहीं मन्नेगी तो लोकी क्यों मन्नणगे। लोकी श्रोमणी अकाली दल नूं अपनी जिंद जान समझदे आ। कुरबानियां चों निकली पार्टी सी पर वो जदों पार्टी अज जिहड़ी सारयां दी जिंद जान सी वो हुण दो चार व्यक्तियों के हथ च रह जाए, कोई भी बोले उन्हें बाहर का रस्ता दिखा दो। गुरु नानक साहब जी इकले यात्रा की, सो मैं समझती हाँ कि जिस व्यक्ति ने कोई सिद्धांत लैके तुरना उन्हें काफलियां की लोड़ नहीं, उन्होंने सिद्धांतिक तौर पर तुर पैना चाहिए। सिद्धांत के मगर कौम आती है। आप सारे मिल बैठ के संवाद करके अच्छे व्यक्तियों को अगे लियाइए ता जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सब आसा हैं उम्मीदा हैं वो पूरी हो सकन। देखो मैं ये कोशिश की है कि सारे सिखां दी एक आवाज़ सी भी जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो साड़ी सुप्रीम संस्था है ते सुप्रीम संस्था नूं सुप्रीम रखनी चाहिए। दो निशान साहब उत्थे लगे है मीरी ते पीरी दा। तुसी देखो तुसी श्री जिहड़ा दरबार साहब वाले पासे दा वो उच्चा ते जिहड़ा दूसरा वो थोड़ा जिहा नीवा, मतलब कहने तो भाव कि राजनीति नूं उन्होंने नीचे रखिया धर्म उपर रखिया ता जो साड़ी राजनीति जिहड़ी उह गंदरी ना होवे। असी अज क्यों धक्के खाते फिरते हैं, क्यों नुकसान पाया कि साड़ी असी राजनीति नूं उपर करता धर्म जिहड़ा सी असी उहनूं डाउन रखिया। जदों असी धर्म दे उपर गलवा पा लांगे उदों कुदरती है सिख कौम दी जिहड़ी आत्मा ना उह तड़फेगी। सो इह कौम दी आवाज़ है, मेरी नहीं आवाज़, बहुत सारे सियाने सूझवान बुद्धिमान जां जर्नलिस्ट मैं सारयां नाल डिस्कस करके तुरी हैं और बहुते साडे वर्कर साडे लीडर्स की भी यही आवाज़ है कि यह किसी सियासी तौर के उत्ते गलबे वाली गल नहीं होनी चाहिए। पिछे बहुत भुगतना भुगत गया, हुण सारी सिख कौम जिहड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्ते जिहनूं अपनी जिंद जान समझदे आ उहदे उत्ते बेविश्वासी क्यों होगी, उत्ते किंतु परंतु क्यों हो रहा। श्री अकाल तख्त साहब जी दे आदेश जारी हुंदे आ ते जे संस्था नहीं मन्नेगी तो लोकी क्यों मन्नणगे। जे अज उत्थे कोई भी संसार दे लोकां विच कोई आवाज़ उठती है तो उन्हूं क्यों नहीं मन्निया जांदा। सो ये सारे प्लेटफॉर्म जिहड़ा मैं सारी सिख कौम लई सांझा बनाया, जिहड़े सिद्धांत नूं मन्नण वाले होणगे बाणी ते बाणी दे परिपक्क होणगे गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित हो के श्री अकाल तख्त साहब जी दी रहत मर्यादा विच रहणगे और जिहड़ी अपने आप दी आवाज़ है उन्हूं गुरु खालसे नाल मिला के चलणगे। ते जदों किसी एक व्यक्ति एक पार्टी का होएगा उन्हें नैचुरली एक पार्टी का दबाव जिहड़ा रहेगा। जथेदार साहब भी हुण तक कहंदे ने कि जिहड़ा बड़ा लंबा अरसा हो गया एक पार्टी का कब्जा होया वा ते चिंता दी लोड़ है, क्यों कहना पै गया उन्होंने। वो इसलिए देखो जी लोकी श्रोमणी अकाली दल नूं अपनी जिंद जान समझदे आ, कुरबानियां चों निकली पार्टी सी पर वो जदों पार्टी अज जिहड़ी सारयां दी जिंद जान सी वो हुण दो चार व्यक्तियों के हथ च रह जाए, कोई भी बोले उन्हें बाहर का रस्ता दिखा दो, कोई सुझाव भी देवो उन्हें बाहर कढ़ दिओ। सो वो चीज़ा जिहड़ियां अज लोकां नूं जिहड़ी है वह परसैप्शन वो खिलाफ़ हो गई है। असी डरते हैं कि श्रोमणी अकाली दल तो इलावा अज नवीं पार्टियां आ गई होंद विच, अज भारतीय जनता पार्टी भी सिख चल गए है, आम आदमी पार्टी भी सिख चल गए है, कांग्रेस में भी सिख चल गए है, होर भी बड़िया बोर्ड बन गए है। कितने ये ना हो कि वह जड़ियाँ जड़े ने पार्टी लैवल के उत्ते कोई होर पार्टी का जोर पै जाए फिर उत्थे उही हाल होएगा। तो असी मैं महसूस किया कि सारे सलाह करके कि आप प्लेटफॉर्म देिए कि जिहड़ा कि एक पंथक तौर के उत्ते प्लेटफॉर्म हो सारे रल के अपनी सांझी आवाज़ करके उत्थे अपनी सेवा निभा सके। आने वाले समय की जो एक्टिविटीज करूंगा किना कोल जाके जो सहयोग दे। देखो मैं तो गुरु नानक साहब जी ने जो सानूं संवाद करना सिखाया ना जी, जिस तरह हुण असीं इत्थे आए हैं भावें भोग सी साढ़े बजुर्गों का, लेकिन इतने चार भरावां नाल बैठांगे इन्हां दे मन की जिहड़ी आवाज़ होगी वह भी मैं सुणांगी, जिहड़ी मेरे मन की होएगी मैं उहनूं सुणावांगी, जो भावनावां ने उहनां विचों कोई रिजल्ट निकलेगा, जे रिजल्ट विच मैं गलत होवांगी मैनूं दस्सणगे। हो सकता है कि चार जी बैठ के जदों असीं संवाद करांगे, क्योंकि असीं किसी दे किंतू परंतू की बजाय संवाद करिए चर्चा करिए, तो चर्चा करनी गुरु नानक ने सिखाई। तुसीं ये देखो कि गुरु नानक साहब जी सज्जन ठग दे घर क्यों गए, उन्हें दसना सीगा सच की है।
फिर जे बक्के चले गए, जे वो भाई लालो दे गए तो मलक भागो दे नहीं गए, उन्हें इकल्ले सारी यात्रा की, कोई काफले नहीं लैके तुरिया, गुरु नानक साहब जी इकल्ले यात्रा की। सो मैं समझती हाँ कि जिस व्यक्ति ने कोई सिद्धांत लैके तुरना उन्हें काफलिया की लोड़ नहीं है, उन्होंने सिद्धांतिक तौर पर तुर पैना चाहिए, सिद्धांत के मगर कौम आती है। बहुत बार चर्चावां हुई ने कि चोणां होण जा रही ने, हुण फिर जिहड़ी नवां गल चली, देखो मैनूं इह तां नहीं पता कि चोण कदों हुंदी है, पर यह है कि मैं उन्होंने बेनती की सी, ईवन मैं सारों साहब नूं भी बेनती की सी कि तुसीं कम से कम वोटां बणाउणियां शुरू करो, तां ही कोई वोटां बन गईआं फिर भी 6-7 महीने लग जांदे आ, ते चोण कराओ लोकां, तुसीं क्यों नहीं चोण कराउंदे, चोण ते लानी सिखां ने, ते सिखां विचों ही आउणी है, होर ते किसे ने चोण नहीं लानी। उन्होंने हुण ऐलान ते कीता, चिट्ठियां ते कढ़ियां डीसीआं नूं भी वोटां बणाउण दा प्रोसीजर शुरू करो, कदों शुरू करदे आ, कदों वोटां दी तरीक खत्म हुंदी है, कदों दुबारा सुधाई भी हुंदी है, फिर कदों वोटां होंदियां पक्का तो नहीं पता, पर करवाउणियां चाहीदियां। ते होर भी कई अकाली जिहड़े सीनियर आगू टकसाले ने तुहाडे संपर्क च ने, आ सकदे तुहाडे नाल? नहीं देखो मैं तो यह कहांगी कि श्रोमणी कमेटी दे विच कैंडीडेट जिहड़े है वह आपां रल के खिलारीए, सारे बैठ के जिथे कोई चंगा कैंडीडेट है ना जी, जे मेरे कोई आई है अर्जी तो मैं वह रखांगी विच पार्लीमेंटी बोर्ड च, जे उन्हां कोल कोई अर्जियां आउंदियां वह पार्लीमेंटी बोर्ड एक सिस्टम च रहना चाहिए, पंच प्रधानी प्रणाली नूं अपनाउणा चाहिए, और पांच सिंह जड़े है वह पार्लीमेंटी बोर्ड च बैठन, सारे जड़े कैंडीडेट है भावें वह किसी भी ग्रुप को आए है किसी पार्टी को आए वो सानू उत्थे अर्जियां भेज दें, वो अर्जियां भेजन, वो इंटरव्यू लैन, जे वह किरदार हैगा चोण लड़न का तो जरूर लड़ना चाहिए। मैं सारिया जिन्या भी धिर ने जिन्या भी पार्टियां ने उन्होंने बेनती करांगी कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण असी बिना किसी पार्टी का अखाड़ा बना के चोण का मैदान बना दीए, अखाड़ा बना दीए, लड़ाई का अखाड़ा बना के लड़न की बजाए आप सारे मिल बैठ के संवाद करके अच्छे व्यक्तियों को अगे लियाईए, जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सब आसा हैं उम्मीदा हैं वह पूरी हो सकन, तो कौम का जोड़ा साढ़े उत्ते बहुत बड़ा उलांभा है कि किसी सियासी पार्टी के गलवे रेंदे है, धर्म नीवा कर देंगे है उस संस्था में, तो सियासत उपर रह जाती है, उन्हों आप कटाइए तो सिखां की जी रीझ है वह पूरी करिए। बीबी जी एक जो सवाल अक्सर उठता रहता है कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के लिफाफे चो निकलते हैं, वह तो जी मैं बहुत बार दस चुकी हाँ कि वह अधिकार लै लेंगे सी मैंबरां दे, यही तो गल्लां मैं उन्होंने कीतियां भी अधिकार तुसीं लैण दी बजाय अधिकार तो तुहाडे को ही है, तुसीं सानूं उहदा इशारा कर दिया करो जो बहुत ही गल है, तो उत्थे समुंदरी हाल जाके अधिकार लैके जो तुसीं चल जाते हो तो सानूं फिर पत्रकार मीडिया वाले पुछ पुछ के थक जाते हैं, कल नूं कौन निकलेगा कल नूं कौन निकलेगा, तो सानूं शायद शर्म जी आती है, तो जे तुसीं कान च कह दो चुप करके आराम नाल तुसीं इत्थे रहो उत्थे जाण दी लोड़ नहीं, असीं उत्थे ऐलान कर दिया ना बोल दिया करांगे, ना तो प्रजेंट करना ही हुंदा, तो वह फिर लोगों की जिहड़ी चर्चा सी ना उन्हें घटाने की खातर क्या सुझा ही दिते सीगे जी उन्होंने गुस्सा कर लिया। देखो जी इन्होंने जो टेंडर दिता सी मैं तो उदो ETC दिता सीगा, उस तो बाद मक्कड़ साहब के वेले इन्होंने दे दिता PTC दे भी दिता 11 साल वास्ते, तो वह 11 साल जी शर्त सी मोनोपोली उन्होंने बन गई, ईवन असी भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले भी असी कोई यूट्यूब चैनल के उत्ते लाइव नहीं सी चला सकते, बद किस्मती साड़ी एक बार चलाया सी तो उन्होंने नोटिस कर दिया, मैनू भी बड़ा गुस्सा सी, मैं बंद करने वास्ते कहा, मैं इतों तक भी कहते सी लफज कि बादल साहब, मैं ईवन जिहड़ा उन्होंने रविंद्रन है उन्होंने भी कहा, मैं सोहनी साहब नूं कहा, मैं बादल साहब नूं कहा, मैं कहा बादल साहब तुसीं इदां करो बड़ी मेहर होई तुहाडे उत्ते गुरु रामदास जी, तुसीं कहो जी मैं इत्थों इंस्ट्रूमेंट नहीं चकने ये मैं डोनेट कर देनी है, तुसीं इत्थे PTC थां ते SGPC लिख लो मैं बाहर चला लूँगा PTC, मतलब कहने तो भाव कि मैं तो उन्होंने बेनती कर सकती सी ना जी, जे बेनती करके भी उन्होंने माइंड किया उन्होंने सोचा कि जो बीबी आ गए तो इन्होंने कर देना, तो चलो आदेश सिंह साहब जी के मन लेने चाहिए सके, हुण दोबारा मैं समय की टेंडर करने की लोड़ नहीं, यूट्यूब चैनल बना लैन दूजा चैनल बना लैन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़े मर्जी टैक्नीकल व्यक्ति नूं बुला लैन, मेरे ख्याल लोग भज के आवणगे सेवा करने वास्ते।